Hey guys, what's up? Just another day at Hostel Rishikesh 2.0. And as you can see today, the sky is so clear. इतना क्लियरली सब कुछ आज दिख रहा है लिटरली. वो भूतनाथ मंदिर है वहां पे अगर आपको दिख रहा है, और उसके सामने बीटल्स आश्रम भी आज यहाँ से दिख रहा है. काफी खूबसूरती से दुनिया बनाई है भगवान ने. एंड आई रियली बिलीव दैट देयर इज सम पावर दैट एक्चुअली एक्चुअली इज Related to the nature, nature's beauty and every part of it. Hi, so guess who's here? Hello everybody, this is Manish Sawan from Bhatkanti on Wheels. Do subscribe to my channel also. I do motor vlogging, lifestyle vlogging and lots of fun content. We both are from same city, but we haven't met there. We met in Maharashtra. Ke bahar hi mile hai. Yeah, dude, we should meet in Pune. Yeah. Let me introduce you to Dreams on Wing, Avanti. Hi. Please do like and subscribe. My very old friend. We met after 2 years, guys, and like last solo ride par mein jab Jaipur gaya tha, wo time pe wo ye hostel pe wahan pe host thi, and now she's in Rishikesh. Let's ask Avanti. So Avanti, how's your experience working with hostel for so long? So I started working in 2019 and I worked in Jaipur's hostel for a month, where you might have seen videos and the photos and videos in Manish's vlogs. But here I'm in love with the place, the people here and everything about it. I am in love with those mountains and the views, so I'm really feeling very content and happy. And I like your Murud wala vlog, huh? Yeah. This Thank is you. Life wala. Thank this you. Is life. Yeah. I saw that. We don't wanna miss the Ganga Aarti. So Avanti, please wait for us. Yes, definitely. Don't leave us and go. Yeah. What about you guys? Are you assuring me that you will come back at 5 o'clock? Yeah, 100% positive. I don't think so. सो एनी बाइकर विल अंडरस्टैंड कि जब आप एक बाइक ट्रिप पे होते हो तो आपको उतना ही ख्याल आपकी बाइक का रखना होता है जितना कि आप अपना रख रहे हो. इसीलिए ये लोग सर्विसिंग वगैरह करा के ऑयलिंग करा के 5 बजे तक वापस आ गए, और फिर हम चले परमार्थ निकेतन. लोग इतना चिल्ला क्यों रहे नीचे? पीछे अभी शूटिंग चल रही थी विच वॉज सम फिल्म नेम दंगल 2, या पता नहीं. मैंने अभी यहाँ से एक लोकलाइट से पूछा एंड दे सेड द सेम थिंग, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू. इसके पहले मैं यहाँ पे कभी नहीं आई थी, बट आई एम ग्लैड कि आज मैंने ये रास्ता चुना परमार्थ निकेतन जाने के लिए. वो वहाँ पे आपको कुछ तो दिख रहा होगा, दैट इज परमार्थ निकेतन. यहाँ पे राफ्टिंग के लोग हैं जो आप देख रहे हो. राफ्टिंग कैपिटल ऑफ इंडिया ऋषिकेश. तो अभी हम फाइनली जो गंगा आरती वो देखने जा रहे हैं, और अभी हम हैं राम झूले पे, और इसके बारे में आपको बताएंगी अवंती. हाय. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन राम झूला एंड लक्ष्मण झूला इज राम झूले पे बाइक्स अलाउड है और लक्ष्मण झूले पे बाइक्स अलाउड नहीं है. सो जस्ट बिकॉज यू आर प्लानिंग टू डोंट कम टू राम झूला, गो टू लक्ष्मण झूला. लक्ष्मण झूला के आसपास काफ़ी सारे कैफेज है, तो यू कैन डू कैफे हॉपिंग एंड देर आर लॉट ऑफ प्लेसेज टू ईट ऑल्सो. स्ट्रीट फूड भी यहाँ का बहुत फेमस है. एंड हम वहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ द परमार्थ निकेतन, जहाँ रोज शाम को 6 बजे आरती होती है. ऋषिकेश में और देखने के लिए क्या क्या है? बहुत कुछ है. इफ़ यू वांट टू गो ऑफ बीट, सो देयर इज दिस नीर वाटरफॉल दैट यू कैन गो टू. देयर इज नीलकंठ महादेव जहाँ का राइड बहुत अच्छा होता है. देयर इज वशिष्ठ केव जहाँ पे इवन इफ़ यू स्क्रैच योर बॉडी तो आवाज़ आती है, इसीलिए लोग अक्सर वहाँ पे मेडिटेशन करने जाते हैं. कि राम झूले से जैसे ही आप राइट लेते हो और आप सीधा आते हो तो आपके पीछे ये एक रेस्टोरेंट है जो जिसका नाम है चोटी वाला, और वहाँ पे छोले भटूरे और लस्सी ज़रूर पीना, बिल्कुल मिस नहीं करना. वहाँ पे थाली भी मिलती है जो बहुत फेमस है, लेकिन थाली एक इंसान से कभी ख़त्म नहीं हो पाती है. सो छोले भटूरे एंड लस्सी जस्ट कीप इन योर माइंड. सो चलते चलते मार्केट में मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देख के मैं बहुत खुश हो गई. दिस इज़ अ हैप्पी ड्रम, जो एक हैंड एक्टिवेटेड पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है. इट इज़ प्लेड विद द पैड्स ऑफ योर फिंगर, जैसे हम तबला बजाते हैं वैसे, लेकिन एक अलग तरीके से. मैं इसे बहुत गलत तरीके से बजा रही हूँ क्योंकि मुझे बजाना आता है नहीं. ये एक्चुअली एक साउंड थेरेपी, रिलैक्सेशन, योगा, रिहैबिलिटेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत मदद करता है बिकॉज इट हील्स योर माइंड, राइट?
तो ये बहुत ही अनोखा लगा मुझे। तो हम तो यहाँ पहुँच गए हैं आरती अटेंड करने, लेकिन जो मैं असली आरती आपको दिखाना चाहती हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको पार्ट टू में, क्योंकि मुझे आपको महसूस करवाना है कि आप एक्चुअली में वो आरती अटेंड कर रहे हो, इसीलिए मैंने इस ब्लॉग का पार्ट टू भी रखा है। सब 5 रुपए का है, सब किचन भी ये भी। तो ये है महेंद्र जी जो सब कुछ बस 5 रुपए में देते हैं सबको, और परमार्थ निकेतन के बाहर ही खड़े रहते हैं। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप इनसे बहुत सारी शॉपिंग करो। तो इसी व्यू के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, लेकिन फिर मिलेंगे अगली बार अगले ब्लॉग में, जहाँ पे आप परमार्थ निकेतन की द आरती देखोगे। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और ये एक सरप्राइज आपके लिए। Got something, there's something about you, girl. My heart is as pumping whenever you're around. My world goes upside down, tenule, kichana, wapina. Na